बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पहली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं सिलेंडर के एरिया और वॉल्यूम के बारे में। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि सिलेंडर के जो एरिया हमने पहले निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, किलो न्यूटन से पीएसआई में कैसे जाएंगे, पूरा फार्मूला आपको समझाएंगे और फिर फार्मूले को शॉर्टकट करके भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरिया और वॉल्यूम हमने पहले निकाला हुआ है। अब सिलेंडर, जो भी हमारे पास सिलेंडर होता है, अमूमन मशीनें जो हमारे पास हैं सिलेंडर के अंदर लगाते हैं, जब उसको ब्रेक करते हैं तो उसकी रीडिंग आती है किलो न्यूटन में। तो फार्मूला शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक किलो न्यूटन में पीएसआई होते कितने हैं, तो ये बाद में फार्मूले में काम आएगी। तो एक किलो न्यूटन एक के एन बराबर होता है 224.809 के। ठीक हो गया, एक किलो न्यूटन बराबर है 224.809 पीएसआई के। पीएसआई यहाँ लिख देता हूँ। अब अमूमन जितनी भी मशीनें उनकी रीडिंग आती है किलो न्यूटन्स में। ठीक है, फर्ज करें अब हमने एक सिलेंडर लगाया मशीन में, उसकी रीडिंग आ गई 250 से 300 के दरमियान आती है, 3000 पीएसआई है 4000 को। फर्ज करें उसकी रीडिंग आ गई है हमारे पास 250 किलो न्यूटन सिलेंडर की रीडिंग के एन में। अब इसका फार्मूला ये है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 224.809 और इसको फिर हम डिवाइड करेंगे सिलेंडर के एरिया से, जो हमने पहले निकाला हुआ था। आपको पहली वीडियो में समझाया भी है कैसे निकालते हैं इंचों में, 28.28। इसको जब हम परफॉर्म करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हमारा होगा आंसर पीएसआई में। तो अब इसको मोबाइल पे भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं इसको सिंपली। किलो न्यूटन हमारे पास जो है सिलेंडर के, वो 250 मल्टीप्लाई किया इसको, ये जो आपको बताया था किलो न्यूटन 224.809 पीएसआई होती है, मल्टीप्लाई करेंगे 224.809 डिवाइडेड बाय एरिया सिलेंडर का 28.28। आंसर जो हमारे पास आया है ये है पीएसआई में। तो आंसर हमारे पास कितना आया, 1987.3 पीएसआई। ये हो गया आसान सा फार्मूला। तो इसमें एक चीज़ और इजाफा कर दूँ, इतने ये जो इतना बड़ा हमारे पास फार्मूला है, इसको शॉर्टकट में भी हम कर सकते हैं। अमूमन आपने सुना होगा, जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, कि अक्सर ये करते हैं कि किलो न्यूटन को डायरेक्ट वो करते हैं कि 7.95 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, जो भी किलो न्यूटन आया उसको पास करने जैसे 7.95 तो डायरेक्ट पीएसआई में आ जाता है। तो अब ये 7.95 कहाँ से आया, ये हम आपको अभी इसी वीडियो में ही बताते हैं। उससे पहले इसको एक दफ़ा परफॉर्म करके देखें, क्या ये जवाब दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। देखें, जीरो नहीं डाला था मैंने, 250 मल्टीप्लाई बाई 7.95। तो देखें ये जवाब दोनों सेम आ रहे हैं, ये भी 1919 आ रहा है, 1987 और वो भी। अच्छा, तो ये फार्मूला हो गया। अब इसका जो शॉर्ट तरीका है वो ये है, आप लोग देखोगे अक्सर लोग कर देते हैं 7.95 डायरेक्ट किलो न्यूटन को कर देते हैं मल्टीप्लाई इससे, जो आंसर आता है वो सेम ही आएगा, ये 1.9 आएगा। ठीक है, अब ये 7.95 जो है, ये 7.95 ये आया कहाँ से, कैसे इन्होंने ये बना लिया, इतनी झंझट से जान छुड़ाने के लिए 7.95 कैसे किया। तो वो किया ऐसे कि एक किलो न्यूटन में जो होते हैं 224.809 पीएसआई, इसको डिवाइड इन्होंने किया हुआ है सिलेंडर के एरिया से 28.28। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाएगा, उसको देखिए परफॉर्म करके अभी 224.809 डिवाइडेड बाई एरिया 28.28। ये देखें 7.949, मतलब इसको 95 भी हम लिख सकते हैं, 7.95 लिख देते। ठीक है, तो ये हो
लेंगे अब शॉर्ट कट। अब जैसे ही हम किलो न्यूटन को डायरेक्ट इससे करेंगे तो ये जो झंझट हमने पहले की है इतनी लंबी, तो इसको हमने पहले से ही हल करके रख दिया है, क्योंकि ये दोनों जो हैं रीडिंग है ये सेम है, ये तो स्टैंडर्ड रहेगा। रीडिंग किलो न्यूटन में कुछ भी आए ये भी फिक्स रीडिंग है ये भी, तो इसको हम पहले से ही हल करके रख लें तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे किलो न्यूटन को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा PSI। तो अब आसान तरीका यही है कि जो भी किलो न्यूटन आए उसको डायरेक्ट 7.95 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमारा आ जाएगा PSI में। तो हमारी PSI इसकी है 1987। ठीक हो गया, वीडियो की समझ अच्छे से आ गई हो। जिसको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आके सवाल करें, और बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, यह आपकी तरफ से मोहब्बत है। इससे हौसला अफजाई होती है हमारी, ताकि और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और लोग इससे इस्तेफादा हों। थैंक यू वेरी मच।